न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज चैप्टर नंबर 6, एवरी ड्रॉप काउंट्स। ठीक है, आज अपन अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी कि स्टोरी देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत टाइम पहले की बात है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गार्सिस, यानी कि ये पिक्चर किसकी है, गार्सिस सर। सर मीन्स अ लेक, यानी जो पीछे सर दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, लेक यानी कि तालाब। किंग गच्ची, जैसे तालाब बोलते हैं पॉन्ड को, लेक के बोलते हैं झील, सी को बोलते हैं समुद्र में, वैसे ये क्या है, एक लेक है यानी कि झील है। किंग गच्ची ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ पीपल, जो ना जैसलमेर के जो किंग थे, जैसलमेर के जो राजा थे, उनका नाम क्या था, गढ़ सिंह। उन्होंने 650 साल पहले इसको लोगों की हेल्प से बनाया था। ऑल अराउंड द लेक देयर आर गार्ड्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, यानी कि पूरे लेक के आसपास क्या है, गार्ड्स है, जिसमें ना सीढ़िया उतरती है। डेकोरेटेड वरांदाज, यहाँ पे इतना अच्छा से वरांदाज है, लार्ज हॉल है, बड़े बड़े हॉल है, रूम्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। People came here to celebrate festival and program of music and dance. लोग यहाँ पे आते हैं, celebrate करते हैं और क्या क्या करते हैं, dance करते हैं, music चलाते हैं। Children came to study in the school of the government. यहाँ पर जो ना गांव की जो स्कूल होती थी, यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean, यानी जो तालाब था ये सबका था, इसलिए सब मिलके इसका ध्यान रखते थे। Rain water collected in this lake spread over many months, यानी कि जो बारिश का पानी इसके अंदर इकट्ठा होता था, वो बहुत दूर तक फिर जाता था। It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into the lake at the lower level. यानी कि जब इसको ना तालाब को, इस झील को इस तरीके से बनाया था कि जो ना अगर पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो अपने जो लोअर लेवल पे होगा, दूसरी झील बन रखी होगी जो इसके नीचे की साइड, वहां पे चला जाएगा। वेल दैट टू फील्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इन विद इन नेक्स्ट लेक, यानी कि ऐसे ही अगर वो भी बढ़ जाएगी तो वो जो पानी होगा वो दूसरे लेक में चला जाएगा। This way all nine lakes filled up. इसी तरीके से जो नौ लेक बनाई गई, जो नौ झील बनाई गई थी, वो बढ़ती जाएगी, यानी कि एक बढ़ गई ज्यादा, तो इसका पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो दूसरे में चला जाएगा, वो भी बढ़ जाएगी तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो तीसरी में चला जाएगा। This rain water could be used throughout the year, यानी कि जो बारिश का पानी होता है ये पूरे साल लोग उसका यूज करते हैं। टूडे गच्ची सर इज नो मोर इन यूज, लेकिन अभी के टाइम इसका कोई यूज नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग एंड कॉलोनीज हैव केम अप इन बिटवीन दोज नाइन लेक्स, यानी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स आ गई है या फिर कम्युनिटीज आ गई है इन लेक के बीच में। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक, अभी ना इसके अंदर पानी भी इतना नहीं रहता। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें बारिश का पानी सिर्फ बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। अभी को ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, आपको ऑब्जर्व करना और फाइंड करना है, आपको दुरुपयोग में नहीं करना। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आपके स्कूल के आसपास का एरिया देखो, एज ए एनी फील्ड, क्या आपके स्कूल के आसपास बहुत सारे फील्ड है, खेत है, फार्म्स है क्या, या फिर पिक्चर रोड्स है, या फिर ट्रेन है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके स्कूल के आसपास है या नहीं। इस एरिया स्लोपी रॉकी ऑफ, क्या आपके आस पास का एरिया कीचड़ वाला है या वहाँ पत्थर वाला है या फिर फ्लैट है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर विद डे, आप सोचो यहाँ पे क्या होगा जब बारिश आएगी। वेयर विल द रेन वाटर गो, वहाँ पे बारिश का पानी कहाँ जाएगा, इनटू द ड्रेन्स पाइप्स और पिट्स, पाइप्स में चला जाएगा या फिर जो खड्डे बनाए जाते हैं उसमें चला जाएगा। इन सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इन द सोइल, यहाँ पे जो पानी है वो सोक देगा। यस दे आर फील्ड्स पिक्चर रोड्स एंड द ड्रेन्स नियर माई स्कूल, हाँ हमारे स्कूल के आसपास खेत भी है, पक्के रोड भी है और
नालियां भी यानी कि टूटियां भी क्या है पक्के रूल्स। द एरिया इज समवॉट स्लोपिंग, जो एरिया थोड़ा सा स्लोप वाला है, व्हेन इट रेन द रेन वाटर इजीली गोस इनटू द ड्रेन एंड दे एंड लैंड इन द नियर बाय पॉन्ड। ठीक है, जब बारिश आती है तो जो पानी होता है बारिश का वो नालियों में चला जाता है और फिर नालियों से वो पॉन्ड में चला जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी कि जैसलमेर के अलावा राजस्थान में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम आती है। हेयर इट रेन फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन एंटायर ईयर, यानी कि पूरे साल में बारिश बहुत कम आती है। समटाइम नॉट इवन दैट मच, कभी कभी तो बहुत आती ही नहीं है। द रिवर हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर, यहाँ पे जो रिवर्स होती है जो नदियाँ होती हैं नदियों में पानी तो होता ही नहीं है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजर्स इन दीज एरिया डिड नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि किस जगह पे इस गांव में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीशियस, लोगों को पता होता है कि वहाँ पे जो पानी है बहुत बहुत कीमती है, लेकिन जो नाव्स पर मेड टू कलेक्ट वाटर लेक बना दिया जाता है या फिर जो जॉट्स। वाटर वॉज एवरी वंस नीड, पानी सबकी जरूरत है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, और सिर्फ एक नहीं सब मिलके सारा काम करते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन और लेबर सम वाटर फ्रॉम द लेक सो इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल एंड बावड़ीज, यानी कि जो पानी होता है जमीन के अंदर वो सूख गया तो फिर वो सोख कर लेते हैं, जो पानी होता है लेक्स के अंदर वो कहाँ चला जाता है ग्राउंड में वेल्स में, यानी कि कुएं में चला जाता है फिर बावड़ीज जैसे कि स्टेप वेल्स वगैरह होते हैं। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, वहाँ पे जो सॉइल्स वगैरह हैं वो भी वेट हो जाते हैं मतलब नमी वाले और फर्टाइल भी हो जाते हैं। देखो ऐसी बावली अपने यहाँ पे भी है स्टेप वेल, यानी कि तूर जी का जाना सबको पता होगा ये अपने यहाँ पे भी है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट रेन वाटर, यानी कि सबके घरों में ना बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है। देखो कैसे होता है, बारिश का पानी यहाँ पे आता है, यहाँ से पाइप के थ्रू नीचे चला जाता है, फिर इसको लोग काम में ले लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्टेपल, क्या मतलब स्टेपल देखा है? लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गोस गो डाउन सेवरल स्टोरीज की, यानी कि जो यहाँ पे जो स्टेप्स है ना बहुत नीचे तक जाती है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप एंड रीच द वाटर, जो पीपल होते हैं जो लोग होते हैं वो स्टेप से नीचे उतरते हैं और पानी को कलेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है स्टेप वेल। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कनवास ऑफ एनिमल एंड गुड, बहुत पहले क्या करते थे लोग होते थे वो ना बहुत लंबी लंबी जर्नी पे जाते थे अपने एनिमल्स के साथ या फिर अपने सामान के साथ। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स, पीपल क्या सोचते थे एक अच्छी चीज है कि हम पानी उनको दे रहे हैं या फिर इनको प्यास लग रही है जिनको, यानी कि जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाने की अच्छी चीज है। दस दे बिल्ड मैनी ब्यूटिफुल स्टेपल्स, इसलिए मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेपल्स बनाए। हैव यू एवर फेस्ड स्टोरेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, कभी आपने अपने एरिया में सुना है या फिर देखा है कि पानी की कमी हो रही है? इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, अगर ऐसा है इसका रीजन क्या है? यस वी डू फेस स्टोरेज ऑफ वाटर इन माई एरिया, यानी कि हाँ हमने भी देखा है कि पानी की कमी हो जाती है। दिस इज यूजली happens because of erratic supply, ये क्यों हो जाता है क्योंकि ना जो सप्लाई होता है erratic supply from जल बोर्ड, यानी कि जहाँ से पानी हमें मिलता है वहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से उस पानी का सप्लाई करना बंद कर देता है। टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डर पर्सन फाउंड आउट व्हाट दे वर ऑफ योर व्हेन दे वर योर एज, आप अपने ग्रैंड मदर से पूछना या किसी बड़े इंसान से पूछना
वो आपकी एज के थे तब उनको पानी की कमी के बारे में पता था ना। फ्रॉम वेयर डिड गेट वाटर फ्रॉम हाउस, फिर वो पानी कहाँ से लाते थे। हैज देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या वो चेंज हो गया। दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम नियर बाय रिवर्स, फॉर्म वेल्स, बावड़ीज और हैंडपम्प। पानी कहाँ से लाते थे, रिवर्स में से, फॉर्म में से, जो कुएं होते हैं उसमें से, स्टेप वेल्स होते हैं उसमें से, या फिर हैंडपम्प से पानी वो यूज करते थे। द सिचुएशन हैज चेंज नाउ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वी गेट वाटर थ्रू पाइपलाइन ऑफ द जल बोर्ड, यानी कि अपने को पानी मिल जाता है इजीली। सबको पता है पानी का टाइमिंग भी है, अपने मॉर्निंग में पानी इतने बजे आता है ना। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रैवलर्स, फॉर एग्जांपल प्याउ, लेदर बैग और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल। देखो ट्रैवलर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस वाले होते हैं, जो एनिमल्स को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैवलर्स। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कभी आपने ट्रैवलर्स के लिए कभी प्याऊ या लेदर के बैग या फिर सब अरेंज किया है क्या। तो देखो क्या होगा, अर्लियर किंग एंड रिच मर्चेंट यूज टू बिल्ड प्याऊ फॉर ट्रैवलर्स। जो राजा थे या फिर जो बड़े बड़े लोग थे, वो उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए प्याऊ बनाते थे। ड्रिंकिंग वाटर वॉज सर्व फॉर फ्री एट दिस, यानी पीने का पानी प्याऊ पर क्या होगा, फ्री होगा। मशक वॉज यूज फॉर कैरिंग वाटर, मशक यानी लेदर का एक बैग होता है, उसको उससे पानी को अपने साथ लेके जा सकते हैं। नाउ डेज पीपल कैरी वाटर बॉटल व्हेन दे ट्रैवल, और अभी के टाइम जो लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं तो पानी की बॉटल लेके जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो, कस्टम रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। कस्टम रिलेटेड टू वाटर है जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज मैंने आपको जो भी समझाया है, जो भी करवाया है, उसको अच्छे से पढ़ना और रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।